हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीक में स्टार्टिंग मीडियट्स। हम लोग जिस शेयर के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं, अपने काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर करने वाले शेयर पे, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। देखिए, इसके नंबर 2 दिन में आने वाले हैं, पर आप लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि इसके ऊपर अपडेट करिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ बोनस स्प्लिट के बारे में भी और कब आने वाले हैं नतीजे। मैं सोच रहा था कि जब नंबर आए तभी स्प्लिट और बाकी सारी चीज़ें एक साथ साझा कर लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे, पर नहीं, आप लोगों को जल्दी है। तो अभी हम लोग समझते हैं क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या स्प्लिट का इंतज़ार। देखिए, मैंने आपको जब 50 के आसपास था तो वहाँ पे या तो प्रॉफिट बुक या जो स्प्लिट के लिए इंतज़ार कर रहे थे, आप लोगों में से बहुत लोगों का था कि सर हम लोग स्प्लिट का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए, तब से काफ़ी डाउन आया है, 35 रुपीज़ 85 पैसे के अराउंड से ट्रेड कर रहा है। समझते हैं कैसी कंडीशन है, कहाँ पर स्प्लिट होना है, किस डेट को और बाकी सारी चीज़ें भी, कंडीशन कैसी चल रही है, चार्ट पे भी बात करेंगे। जो चैनल पे नए हो चाहे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जो प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे भी हम लोग सेमा के से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। देखिए, इस कंपनी को जब हम लोगों ने पकड़ा था तो 5 रुपीज़ के अराउंड थी और तब से काफ़ी तगड़ा। अभी भी हम लोगों को, अगर जिन लोगों ने 5 रुपीज़ के अराउंड बाई कर रखा है उनको भी अभी काफ़ी अच्छा 700% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है। अभी समझते हैं कैसी परफॉर्म कर रही है। तो BGC जो अभी देखिए 35 रुपीज़ 80 पैसे 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। अर्निंग रिजल्ट देखिए इधर पे टुमारो लिख रखा है, कहीं पे कल का लिख रखा है। तो देखिए, जब भी आ जाए, लेट सवेर जब भी आ जाए तो हम लोग इसका अपडेट कर लेंगे। वैसे हर जगह पे 12 अगस्त का ही दिखा रहा है, मतलब आज की ही डेट दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं अभी कब तक नंबर आते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 9.50 रुपये की हो रही है। मार्केट कैपिटल नॉर्मल सी है। डिविडेंड येट 0.13% दिया था। प्राइस अर्निंग रेशियो सेक्टर वाइज ठीक है, 4.05 पे। टेक्नोलॉजी सर्विसेज से आ जाती है, पैक्ड सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी। देखिए, ये देखिए, आपको रैली देने के बाद ये जो करेक्शन आके, देखिए दो बार इसने ट्राई किया बट नहीं टिक पाई और अभी भी फिसले जा रही है। तो इसको एक चाहिए कंपनी को सपोर्ट। मैं स्टार्टिंग से ही जब यहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ था तो मैं आपको बता रहा था कि सपोर्ट चाहिए कंपनी को। अभी नज़र नहीं आ रहा है, जब तक ऐसा जोन ना बनाए तब तक एंट्री लेने के लिए कोई सवाल नहीं है। जो लोग फ्रेश एंट्री के लिए हैं, जो पहले से मतलब काफ़ी लो पे 5, 8, 7, 15 रुपीज़ के अराउंड बाई कर रखे हैं, उन्हीं के लिए ये अपडेट है। तो अभी देखिए, टेक्निकल इंडिकेटर भी नेचुरल का कॉल दे रहे हैं, न्यूट्रल का कॉल दे रहे हैं। तो मतलब कोई भी ना बाई की कॉल है ना सेल की कॉल है। एवरेज वैल्यूम भी 10 डेज का अभी देखिए, क्योंकि अब लोअर सर्किट या अपर सर्किट में फंसा रहता है तो उसकी वजह से एवरेज वैल्यूम जो 10 डेज का है 3.034 मिलियन है, मतलब कम एक्टिव हो गया है अभी, क्योंकि लोअर सर्किट अपर सर्किट में एंट्री लेना मुश्किल होता है, बहुत कम लोगों को मिल पाती है। प्री मार्केट के अंदर ही जो पहले से फिट करके रखते हैं उनका ही होता है चांसेस की क्लियर हो, और बहुत कम चांसेस होते हैं उनका भी जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो, मतलब क्लियर हो। हाई लो का डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं, काफी तगड़ा परफॉर्म इस पे किया है कंपनी ने। चलिए डायरेक्ट उसी कंडीशन पे, न्यूज पे ही बात करते हैं जो स्प्लिट के बारे में बताया गया है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन हम लोग तभी डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि 2 दिन के अंदर इसके नंबर आ जाएंगे, फिर हम लोग पूरा कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। पर आप लोगों का कमेंट में बहुत ज्यादा था कि सर इसके बारे में अपडेट कर दीजिए हमको। तो देखिए, मार्केट कैपिटल 2778 है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक वैल्यू भी देखिए पहले से घटी है इसकी, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं कैसे कैसे कंडीशन क्या क्या हुआ है। प्रोनस की होल्डिंग 25% हो गया है, बाकी ऑल टाइम हाई प्राइस आपको पता है 159 तक गया है। प्रॉफिट ग्रोथ सेल ग्रोथ पिछले 12 महीने की ठीक है। Q1 ये तो मार्च वाला होगा, मतलब दिसंबर से जो मार्च के नंबर थे उसकी कंडीशन है। रिटर्न ऑन एसेट ठीक है, फेस वैल्यू 2 है, मतलब वन टाइम अगर फ्यूचर में स्प्लिट होना चाहा तो हो सकता है। ROE नॉर्मल है, पर नॉर्मल से अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि 13% से भी अबव है, 15.9 आ जा रहा है। ROCE भी 21.6 है। इस हिसाब से कंडीशन देखिए बेहतर है। मैंने आप लोगों को बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि सारी चीज़ें कितनी बेहतर हुई हैं कंपनी की, बाकी आप इसमें देख सकते हैं। करंटली यहाँ पे देखिए आपको मेंशन कर रखा है 36.76 प्रोमोटर्स की होल्डिंग। तो हम लोग अभी यही मानते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अपडेट कर रखा है इन लोगों ने, ये 25% वाला मेनली यही मैं देख रहा था कि 25% क्यों लिख रखा है।
तो हो सकता है लेटेस्ट वाले क्वार्टर का हो, जो कि अभी नंबर जिसके आए नहीं है जून वाले, देखते हैं कब तक आते हैं। मेनली अभी देखिए कितना ज़्यादा लेट हो रखा है खुद ही अभी जून का नंबर आने में। चलिए जितना जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, कंपनी ठीक ठाक वर्क कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, सेल वाइज क्वार्टर वेरिएशन प्रॉफिट का बात करें सब बेहतर है। तो ये देखिए ट्रेडर्स, इस पे यहाँ पे मेंशन है कि जो नंबर आने हैं वो आज की अर्निंग डेट है, देखते हैं आज आ जाता है या नहीं आता है, क्योंकि इस कंपनी का रहता है कि लेट हो जाती है। जैसे 28 को मेंशन कर रखा था तो पर लेट आया था, और जो स्प्लिट होने की बात है ट्रेडर्स वो 5:4 में होगा 18 अगस्त को, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, और देखिए ये आपको सिंपली पता लग जाना था, इसके ऊपर ऐसा नहीं था कि वीडियो बना के मुझे बताना था, इसीलिए मैं आप लोगों का जो कमेंट था उसको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मल सी है और हर जगह ये आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी कब स्प्लिट होने वाला है। बाकी आती है बात आपको होल्ड करने की, तो देखिए जब आप लोग 50 रुपीज से तब से होल्ड करके चल रहे हैं, तो अब इतना बिलो आ गया तो अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने स्प्लिट के लिए ही वेट करना था तो वो आपको दिखेगा। बाकी यहाँ पे देखिए ट्रेस, ये जो 3 दिन से ये यहाँ पे जो लाइन बना रही है ये एक अच्छी बात है, अगर इसको कंटिन्यू रखता है यहाँ पे भी सपोर्ट बना लेता है ट्रेडर्स ये शेयर, तो अच्छा ही रहेगा हम लोगों के लिए। देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा था कुछ इस लेवल तक 35-30 तक आएगा, देखते हैं अभी और नीचे जाता है या यहीं पे टिक जाता है। मेनली अगर यहाँ पे टिक जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से चांसेस जो हैं देखिए यहाँ पे 3 डेज से एक तरीके से कह लीजिए इसी अराउंड पे है, सभी लोगों को बस नंबर का ही इंतजार है, कंपनी का जैसे ही नंबर जैसा आता है उस हिसाब से फिर मूवमेंट रहेगी। देखिए अभी मिड में है ना, विटॉल्स के पास है ना सपोर्ट के पास है, तो आपको इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा अवॉइड कर लेना है। बाकी जो लोग पहले से बन के रखे हैं वो इधर पे चांसेस हैं कि रिवर्स यहाँ से भी हो सकते हैं। देखिए आज भी इसको 35.05 को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से रिवर्स के चांसेस हो सकते हैं, और आपका लॉन्ग भी है तो आपको पता ही है जो टारगेट है वो 50 रुपीज फिर 58 का मिलेगा। अभी नंबर पे भी डिपेंड करता है कि इस बार के नंबर कैसे आते हैं। यही था इसके ऊपर अभी फिलहाल में अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको जब इसके नंबर का अपडेट आ जाएगा क्वार्टरली का, तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।